रॉ की प्रोफेशनलिज्म का आप अंदाजा कीजिए कि एक सरकारी जो उनके नॉकोटिक्स का उससे मुतालिक वो बंदा है उसको हायर कर लिया है एज वो जिसे कहते हैं टारगेट किलर। शुक्र है कि कनाडा को समझ आई, अमेरिका को भी अब समझ आनी शुरू हुई है, क्योंकि वो बात उनके घरों में आई ना इसलिए समझ आई। भारतीय नजात है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को छुपा के दबा दू देंगे कुछ हद तक, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। अमरीकी वक्त में मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा चॉइस साहब ने जो बात की थी मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक और बड़ा मसला जो ये सामने नजर आया ना वो ये था कि ये हमारी फोर्सेस को बड़ी मुश्किलात पेश आई रिसेंटली, जब हमने ये जो अब ताज़ा लहर जिसको आप कहते हैं ना, ये गुज़िश्ता डेढ़ साल से जो पैदा हुई, ये लोग जो है ना ये अमरीकी असले से लेस हैं। अमरीका अगरचे डिनाया देता है, लेकिन ये इस हालत हमारी ये हो गई है कि ये असला जो है ना वो कच्चे के जो डाकू है वहां तक पहुंच चुका है। यानी न सिर्फ वो असला वहां इस्तेमाल हो रहा है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारे यहाँ पे बिक भी रहा है। मियांवाली एयरबेस में जो मिला था, अमेरिकन असला था। अब वो जो वेपन है उसके साथ आपको जब कंपीट करना है तो आपके लिए आपके तो अपने वेपन्स हैं जो हैं वो जदीद असला है, तो वो उसका नुकसान भी हमें थोड़ा किसी हद तक भुगतना है। अगर चाहे आप फोर्सेस को जब सामने सामना करना पड़ेगा वो उसका बंदोबस्त कर रही हैं, आई नो कि वो उन्होंने उसके लिए जो भी चीज़ें तैयार की हैं और उसको मैनेज किया है, लेकिन एक दफ़ा तो उन्होंने हमें इसके साथ जो है ना प्रॉब्लम में डाल दिया है। अच्छा, अब दहशतगर्दी की एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो ये सब कह रहे थे कि चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन सस्ती मिलने के लिए या महंगी हो पैसे की ज़रूरत होती है। ये जो 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 टेररिज्म फाइनेंसिंग है ना, इसका एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो जो ये सब कह रहे थे ना, एक तरफ भारत और अफगानिस्तान मादरत के साथ, मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वो एक तरफ वो एक ही तरफ वो दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं। यानी वो एक साइड पूरी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो चुकी हुई है, वो एक या दो दूसरे ने वो एक ही तरफ है जो हमें हमारे लिए मसला। यानी वो बॉर्डर के पास ही पास अपनी ऑफिस बना लिया था जब ये उन्होंने भारत ने जो वहां पर बनाई थी अपनी जो जो सफारत खाने खोले थे उसके जरिए जो कुछ किया वो सबके सामने है। ये कोई ऐसी कोई छुपी हुई वो है भी नहीं बात, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। और उसका नुकसान जो है, क्योंकि भारत हमें बाहर हाल नहीं देखना चाहता और वो हर वो मुमकिन कर, भारत तो अब आपको पता है एक्सपैंड करते करते कनाडा में भी उन्होंने वहाँ पे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, वो उसके ऊपर कनाडा चीखते हैं, फिर वो जनाब बरतानिया के अंदर भी जहर दे दिया गया, उसकी भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अमरीका ने अब आपके सामने एक जो उन्होंने जो असैसिनेशन का प्लान है वो यार आप अंदाज़ा कीजिए, आप रॉ की प्रोफेशनलिज्म का आप अंदाज़ा कीजिए कि एक सरकारी जो उनके नॉकोटिक्स का उससे मुतालिक वो बंदा है उसको हायर कर लिया है एज वो जिसे कहते हैं टारगेट किलर, आप तो जहां से ये सारा प्लॉट बाहर निकला है। अब मसला ये है कि ये जो फाइनेंसिंग है इसके ऊपर पाकिस्तान मुसलसल ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहा है। शुक्र है कि कनाडा को समझ आई, अमेरिका को भी अब समझ आनी शुरू हुई है, क्योंकि वो बात उनके घरों में आई ना इसलिए समझ आई। भारतीय नजात है, वहां के प्राइम मिनिस्टर को छुपा के दबा दू देंगे कुछ हद तक, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है और वो बातें बाहर भी आएंगी। सो इस अब उनके तन लगी है ना, तो उनको समझ आनी शुरू होगी कि पाकिस्तान जो चीख रहा है पिछले कई दिहाइयों से भुगत रहा है, जो सीख कर रहा है कि ये इंडिया जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर बाज नहीं आ रहा। अब ये जो चीजें हैं, यहाँ अमरीकी वफ्त की बात आप कर रही थी, अमरीकी वफ्त बेसिकली ये जो चॉइस साहब ने बात की ना कि जो शोर उठाया कि जी उनके उनके अफगान महाजरीन के हकूक हैं, उनके हकूक पूरे किए जाने चाहिए, भाई हमने तो किसी को पकड़ के यहाँ से कोई जबरदस्ती उस तरह से पकड़ के तो नहीं हमने धकेल दिया, भाई हम बसें भी अरेंज करके दे रहे हैं, चीजें भी करके दे रहे हैं, ये सारा कुछ वो ऑब्जर्व करेंगे, पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है उनको कन्विंस करेंगी, क्योंकि हम कोई ऐसा काम मुझे ठीक है आप कह सकते हैं कि जरा ये कहा गया है कि जनाब आप निकल जाए आप चले जाए कि बुरा तो लगता है, जितने अरसे से यहाँ बैठे थे ये जो बात शुरू की थी ना जी जायदादें पे कब्जे होने शुरू हो गए हैं, ये इस तरह की कोई एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया कि किसी ने किसी की जायदाद को कुर करके तो उसको कब्जा कर लिया गया, ये कर दिया और वो कर दिया। आपको पता है ये इस तरह की गुफ्तगू निकला थी, ये वो फैक्ट्स हैं जिसको चेक करने के लिए वो आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली चूंकि हम एक हमें भी पता था इसका लैशबैक दुनिया से क्या आएगा और हमने उस बैकलैश को कैसे कंट्रोल करना और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने भी वो तरीके से काम किया, कह रहे थे डेडलाइन है, मैंने हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे कि कोई नहीं ये कौन सा एक दिन के अंदर करने वाला काम है, इतने ये 12-14-18 लाख की बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको भी भेजते भेजते एक टाइम लगेगा। सो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो जो अमरीकी वफ्त आ रहा है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेगा और जिस तरह की गुफ्तगू होगी ख्याल यही है कि पाकिस्तान उनको कन्विंस करने में कामयाब होगा। अब बाकी रही बात कि वो अब हिडन एजेंडाज की, वो हो सकता है वो अब जिस वक्त हमने जंग लड़ी थी हम यहाँ पे बताते थे अल्लाह अकबर के नारे लगवाते थे और मर्द मुजाहिद बनते थे और हम लोग यहाँ से उठा उठा के अपनी नौजवान नस्ल के लोग यहाँ कुछ जमातें जो हैं वो यहाँ से वो उठा उठा के लोग जो हैं वहाँ पर लेके जाते थे लड़ाने के लिए रूस के खिलाफ,
ये वल्लाह आलम इस सवाब के उसके पीछे अगर हिडन एजेंडाज क्या है, लेकिन जो फिलहाल जो बात सामने आ रही है वो यही है कि वो इन्हीं चीजों के ऊपर फैक्ट चेकिंग के लिए आके तो करेंगे। ठीक।